सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आरटीसी स्कूल की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी, विषय हिंदी, कक्षा 5, पाठ 7 हम लोग पढ़ रहे थे। बच्चों, हमारा शीर्षक था अपने सुख बांटो। एक कविता हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें प्रकृति के बारे में बताया गया, परोपकार के बारे में बताया गया है, दूसरों से हिंसा करने के बारे में बताया गया है। इन सारी बातों को इसमें प्रकृति के द्वारा, पक्षी के द्वारा, पेड़ों के द्वारा किस प्रकार हम दूसरों में सुख बांट सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। इसके पहले एक वीडियो में हम लोग इस कविता को पढ़े थे। बच्चों, तो आज जितना बाकी है उतना इसको हम लोग पूरा कर देंगे। रचनाकार देख लीजिए आप लोग, डॉक्टर दिनेश चमोला जी हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा है। और इस कविता में जो बातें कही गई उनको बहुत खूबसूरत ढंग से उन्होंने बताया है कि किस प्रकार हम लोगों को दूसरे के सुख में भी अपना सुख ढूंढना चाहिए, दूसरों को सेवा करना चाहिए, स्वार्थ नहीं करना चाहिए हम लोगों को। यहाँ पे किस प्रकार पशु पक्षी किसी से स्वार्थ नहीं करते, किसी से हिंसा नहीं करते, तो उनसे भी हम लोगों को सीख लेना चाहिए कि हम इंसान ऐसा क्यों करें, है ना। तो चलिए इस पाठ को हम लोग करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपनी पुस्तक निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और जितने कठिन शब्द है इसको लिख लीजिए। इस पाठ का इतना कठिन शब्द है, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने लिखा था, तो आज इसको पूरा कर लीजिए। मैं बताती हूँ, आप लोग समझिए। मृदु का अर्थ होता है कोमल और मधुर। मृदु मतलब कोई कोमल और मधुर है, उस चीज के बारे में बताया गया है। रुंझुन का अर्थ होता है झनकार, मतलब एक झनकार, एक मधुर गीत जब कोई एक साथ मिलकर गाते हैं तो जो एक झनकार आवाज गूंजती है उसके बारे में बताया गया है। निपट, निपट का अर्थ होता है एकदम, मतलब बहुत बेकार, गिरा हुआ, जैसे कि हम बोलते हैं एकदम बेकार इंसान है, उसी प्रकार यहाँ पे एक अर्थ है। निरर्थक का अर्थ है यहाँ बेकार, मतलब दोनों एक साथ है, निपट निरर्थक मतलब एकदम बेकार। व्रती का अर्थ है जिसने व्रत रखा हुआ हो, जिसने व्रती का अर्थ है जैसे कि बहुत औरतें व्रत रखती है, भगवान के लिए रखती है, परिवार के लिए रखती है, घर के लिए रखती है, तो उसी के बारे में बताया गया है। जी का अर्थ होता है, जी का अर्थ यहाँ पे मन, हृदय, यहाँ पे हृदय की बात की गई है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो अपने वाक्य के साथ अपना अर्थ परिवर्तित करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसका अर्थ परिवर्तित हो गया है। लघु का अर्थ होता है छोटा और बृहद का अर्थ होता है बड़ा, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलिए इस कविता को हम लोग शुरू करते हैं। भवरे गाते गुनगुन की धुन। यहाँ पे जो भवरे है, फूल जब खिलता है बच्चों, जब फूलों का सीजन आता है, फलों का सीजन आता है, तो क्या होता है, पक्षी भी बहुत चहचहाते हैं, तो क्या यहाँ पे भवरे जो है, फूल जो खिले हुए हैं वहाँ पे आके धुन गा रहे हैं। उस भवरों के बारे में बताया है किस प्रकार भवरे फूल पर मंडराते हैं, उनकी बात की गई है। वो रंग देखकर, खूबसूरती देखकर भवरे आके वहाँ पे मंडरा रहे हैं। रही तितलियाँ सपने नितमुन, जो तितलियाँ भी है, बाग इतना खूबसूरत लग रहा है बच्चों, वहाँ पे तरह तरह के फूल खिले हुए, तरह तरह के फल फूल है, तो वहाँ पे भंवरे भी आ रही है, तितलियाँ भी आ रही है, जो माहौल बहुत खूबसूरत बना हुआ है उसके बारे में बताया गया कि वो लोग भी जब हम लोग बहुत खुश होते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि आगे हम लोग इस काम को पूरा करेंगे। आज हम लोग किसी की सेवा किए हैं तो कल भी हम लोग सोचेंगे कि कुछ करें, तो हम लोग बहुत सारे सपने अपने मन में बनाने लगते हैं कि नहीं, हम आगे ये करेंगे, आगे वो करेंगे। जैसे आप लोग किसी परीक्षा लेकर आते हैं घर, तो आप लोग सोचते हैं ना, आज मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, मैं नेक्स्ट क्लास में चली जाऊंगी, फिर मैं क्या क्या करूंगी, उसकी तैयारी आप लोग सपने बुनने लगते हैं ना, उसके बारे में यहाँ बताया कि तितलियाँ भी किस प्रकार उस रंगीन कलर को देखकर बहुत सारे मतलब सपने देख रही है, उस खूबसूरती को देखकर कि नहीं ये मेरी खूबसूरती है, मैं दूसरों को सुख दे रही हूँ तो मुझे भी बहुत आनंद मिल रहा है, उसके बारे में यहाँ पाठ किया गया है। खुशबू की बौछारों के संग, खुशबू की बौछार जो वहाँ पे खुशबू जो रंग खिले हुए हैं उसकी बौछार आई है, उसके संग खनके मृदु गीतों की रुंझन। मृदु मतलब मधुर गीत के साथ जो झनकार सबको खुशियाँ मना रहे हैं उसके बारे में बात की गई है। तो इसमें आप लोग वही लिखिएगा यहाँ पे तितली के बारे में, भंवरों के बारे में, फिर कोमल गीत के बारे में, फिर खुशबू की बौछार के संग, इसको अच्छे से एक वाक्य में अच्छे से पिरो कर इसका अर्थ आप लोग लिखिएगा। जैसे मैंने एक एक लाइन का अर्थ आप लोगों को बताया है, वैसे ही आप इसको आपकी शैली कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी आप लोग लिख सकते हैं वो मुझे देखना है। मैंने तो आप लोगों को समझा दिया, अब मैं कोशिश करूँ कि मैंने जितना आपको बताया उससे बेहतर आप लोग लिखिए, ठीक है बच्चों। धरती के कणकण का कहना, मतलब धरती का एक एक अंग, एक एक कोना आज बहुत खुश है क्योंकि सबको खुशियां मना रहे हैं, वो कह रही है, धरती का एक एक कोना कह रहा है कि पढ़ती थी जीवन
ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। दूसरों के सुख में ही हम लोग को अपना सुख समझना चाहिए। पर ही थी मतलब दूसरों को ही सुखी करके हम खुद सुख हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। जीवन का पल पल है गहना, यहाँ पे जीवन का एक एक पल आप देख लीजिए, जीवन का पल पल है गहना, यहाँ पे जीवन का एक एक पल गहना इसीलिए माना गया है। बच्चों गहना का अर्थ क्या है, जब कोई औरत बहुत खुश होती है, बहुत त्योहार आते हैं तो खुश होती है, तो गहनों से खुद को सजाती है, सुंदर दिखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए सजाती है। यहाँ गहना सब सुंदरता का प्रतीक माना गया है। तो जीवन का पल पल, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों की आप आज सांस ले रहे हैं, है ना, आपके पास कपड़ा है, आपके पास घर है, आपके पास रोटी है, है ना। बोलते हैं ना कि जीवन के लिए तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है, रोटी कपड़ा मकान, और सबसे पहले तो सांस जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो आप लोग को आज सांस ले रहे इस पल का भी धन्यवाद भगवान को करना चाहिए कि हाँ आज मैं सांस ले रहा हूँ तो उनकी बदौलत। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, तो सोचिए वो कैसे रहते होंगे। इसलिए यहाँ का एक बताया गया है कि जीवन का एक एक पल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इस पल को हम लोग को नकारना नहीं चाहिए, है ना। निपट निरर्थक बन क्या कहना, बन क्या रहना, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग अपने जीवन को, इस शरीर को, इस मानव शरीर जो हम लोग को बहुत कष्ट से प्राप्त हुआ है, जीवन को बहुत सुखी बनाने के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए प्राप्त हुआ है, तो हम लोग इसको निरर्थक और बेकार क्यों करें, है ना। दूसरों को सुख में, दूसरों को सुख दे और खुद भी प्रसन्न हो जाए, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। आगे देखिए बच्चों, हस्ती धरती मित सिखलाती, ये जो धरती है, जो प्रकृति है, बहुत सारे चीज हम लोग को दिखाती है जिसमें खुशियां है ना, हम लोग उससे भी खुशियां मना सकते हैं। वीर व्रती बन सहो दुखों को, मतलब वीर जो जो वीर होते हैं, जैसे हमारे देश के जो वीर सेनानी है, जो देश पे जाते हैं बिना स्वार्थ के, आज वो वहां पे है तो हम लोग आज यहाँ पे खुली सांस ले रहे हैं, सुकून से जी रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए वहां लड़ रहे हैं। यहाँ पे वीरों के बारे में बताया गया है किस प्रकार वो कष्ट सहकर वहां रह रहे हैं, तो हम यहाँ पे घरों में इस तरह अपने आप में ईर्ष्या करके, घृणा करके क्यों रहे, है ना। वो जब हमारे लिए इतना लड़ रहे, उनके भांति हम लोगों को बनने के लिए कहा गया है कि हम लोग भी उसी तरह बन के दूसरों को सुख दे सकते हैं। सब में जी भर भर कर बांटो, यहाँ पे सब में अपने हृदय के द्वार, मतलब प्रेम के बारे में बताया गया है कि अपने मन से आप दूसरों में इतना प्रेम बांटिए कि कोई दुख का कोई कोना ही ना बचे। अपने लघु या बृहद सुखों को, मतलब अगर आपके पास खुश होने का एक छोटा साधन है, जैसे कि कहा जाता है ना कि अगर आपके पास दो रोटी है, मैंने जो छोटा सुख है मैंने उसके बारे में बताया कि अगर आपके पास दो रोटी है, अगर आपके बगल वाला भूखा है तो आप उसे एक रोटी दे देंगे और एक रोटी खुद खाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आप अपने सुख को बांट रहे हैं और उसके दुख को भी आप हर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे छोटा सुख ही है, ये कोई बहुत बड़ा सुख नहीं है, लेकिन इससे भी आप खुशियां मना सकते हैं, दूसरों की सहायता कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, है ना। और अपने लघु या बृहद सुखों को, मतलब अगर छोटा या बड़ा, छोटा से छोटा और बड़े से बड़े सुख को भी अगर आप दूसरों में बांटेंगे तो ये आपका ऐसे ही बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे इस पूरी कविता में सुख के बारे में ही बताया गया, परोपकार के बारे में बताया गया, और सबसे ज्यादा प्रकृति के बारे में बताया गया कि प्रकृति कितने सारे सुखों से हम लोगों को रखी है, लेकिन किस प्रकार हम उनसे वंचित है वो भी बताया गया है। आप लोग अपनी पुस्तक निकाल लीजिए, आपने आपकी पुस्तक में शुरू में ही बताया गया है कि पेड़ पौधे फूल कलियां पक्षी आदि अपने कार्यों से सभी के मन को आनंदित करती है। मैंने पहले इस पूरी कविता में मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार वो उनको सुख बांट रही है, खुशियां दे रही है। पृथ्वी भी हमें दुखों को सहते हुए अपने सुख के सभी के साथ बांटने की सीख देती है, मतलब यह जो संसार है ये भी हमें सीख देता है कि आप अपने दुखों को भी दूसरे से बांटिए और अपने सुखों को भी बांटिए, इससे क्या होगा कि आपका दुख भी कम होगा और दूसरों का भी दुख कम होगा। यहाँ पे लिखा गया है कि आपके विचार से दूसरों के साथ हम अपने सुख कैसे बांट सकते हैं, बहुत सारा तरीका है बच्चों जी जिससे आप अपने सुख दूसरे से बांट सकते हैं, दूसरे के सुख को हर सकते हैं, यह आपको समझना है कि किस प्रकार हम लोग इसको समझेंगे। चलिए इसके प्रश्न उत्तर एक दो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने उसने एक बताया था कि बाग बगीचे में किसके दिन लौट आए हैं, तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है तितलियाँ क्या बुन रही है, तो मैंने अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया कि तितलियाँ सपने बुन रही है। जीवन का पल पल क्या है, जीवन का पल पल गहना है, है ना, यहाँ पे गहना नहीं लिखेगा, जीवन का पल पल हमारा बहुत ही सुहाना है, बहुत ही खुशबू
अच्छा, मतलब इसको कितना अच्छा आप लोग लिख सकते हैं ये आप पे निर्भर करता है। धरती का कंकन क्या कहता है? धरती के कंकन का कहना पढ़ी थी जीवन दुख सहना, मतलब धरती का एक एक कण एक एक कोना कहता है कि हम लोग दूसरे के दुख में भी दुखी उसको अपना सहारा देकर अपना सपोर्ट देकर खुशियाँ वो लोग मना सकते हैं, मतलब सब सहारा यहाँ पर प्रकार की बात की गई है। हमें कैसे बनकर नहीं रहना चाहिए, हम लोगों को निरर्थक निपट निरर्थक, मतलब हम लोग को एकदम बेकार बनकर नहीं रहना चाहिए, इस जीवन को इसी तरह बेकार में ही जाने देना चाहिए। हमें जी भरकर क्या बांटना चाहिए, हम लोगों को जी भरकर खुशियाँ बांटना चाहिए। और यहाँ पे 5 नंबर में नीचे दी गई पंक्तियों का भाव लिखना है आप लोगों को बच्चों, तो इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। जहाँ पे आप लोगों को लगे कि इस पाठ में कठिनाई महसूस हो रही है तो आप मुझे बताइएगा। आगे तो भाषा है जो हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं, शुद्ध वाक्य है, प्रत्यय है, वाक्य बनाना है, लिंग परिवर्तन करना है, विलोम शब्द है, ये सब आप लोग खुद कीजिएगा बच्चों। जहाँ पे लगे कि आप लोग नहीं कर पा रहे असमर्थ है तो मुझे बताइएगा बच्चों। इसके साथ ही हमारा यह पाठ पूरा होता है। अब आगे पाठ 8 देखेंगे, इससे पहले आप लोग मैं ये स्टार्ट करूँगी वीडियो को पाठ 8, तो आप लोग पढ़ के रखिएगा। उससे क्या होगा कि जब मैं समझाऊंगी तो आप लोग उस चीज़ को